दिल्ली अहमदाबाद हाईवे पर पाली से कुछ आगे सांडेराव, ये सिरोही से पहले का है। यहाँ पर आप देखिए कि ये बिरामी नदी यहाँ पर इस वक्त ओवरफ्लो हो रही है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी लोग फंस गए जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया। सामने देख सकते हैं कि नदी के बीच में ट्रक फंस गई है। हाईवे, मेन हाईवे जो कांडला पोर्ट को कनेक्ट करता दिल्ली से, इसलिए काफी पूरे हाईवे पर इस वक्त ट्रक काफी बड़ी संख्या के अंदर जाम है। सामने देखिए कि ट्रक बीच में फंसे हुए हैं वहां पर। अब आप देखिए कि किस तरीके से रिस्क है वहां पर। लोग जो ट्रक ड्राइवर थे उनको यहां पर बचाया गया। आपने निकाला था, कितने लोग थे? जैन सर, फर्स्ट वाले ट्रक में दो बंदे थे, उसके बाद सेकंड में तीन थे और थर्ड वाले में एक था, फोर्थ वाले में तीन जवान थे। तो मैं सर आपको मेरा परिचय कराना चाहूँगा। मैं हवलदार मुरुमकर 117 इंजीनियर। हम लोग जोधपुर से आए थे रेस्क्यू करने के लिए। हम आगे जाने वाले थे लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पाए, तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सिविल जनता फंसी हुई है। तो हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश की और उनको हम साँचोर जा रहे थे आगे, लेकिन वजह जा नहीं पाए। तो कहाँ से निकलेंगे आप आगे? आगे यहाँ से सर, अभी पानी कम होने के बाद पानी कम होने का इंतजार करना होगा। हाँ, कल जाएंगे हम यहाँ से। ये बड़ी बात है। आपने भी अब किस तरीके से बताया, रेस्क्यू किया किस तरीके से? हमने रेस्क्यू किया, एक सिविल का ट्रैक्टर था। हाँ। एक ट्रैक्टर था और उसके पीछे हमारी रिकवरी की एक गाड़ी थी। हाँ। और उसके पीछे सिविल की भी थी रिकवरी गाड़ी, उसके साथ हमने आगे आगे जाकर रस्ता फेंक के उनको बाहर निकाला। आप फंसे हुए थे, आपका ट्रक आपके सामने तक खड़ा हुआ, दूध वाला। अच्छा, दूध वाला क्या कर रहे थे, कितने बजे आए आप? 12 बजे आए थे। तो 12 बजे से अब तक फंसे हुए थे आप नदी के बीच में, तो बड़ा खतरा था आपका, नदी के बीच में नजर आ रहा है। हमारी तो जान ही निकली जा रही है भाई, नहीं आते तो हम तो बचते भी नहीं। तो ये इनके लिए इनको शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए, इन्होंने बताया आपको? बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे इनका। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। आप भी फंसे हुए? नरेश कुमार मेरा नाम है, हम पाली जिले के हैं। हम यहाँ फंस गए आके, हम पत्रकार का काम करते हैं, लेकिन अभी हम कहाँ करते हैं, गांव जा नहीं सकते, आगे जाने को रास्ता नहीं है। ट्रक फंसा हुआ है अभी एक घंटा, ट्रक नहीं फंसा हुआ है, हम पैदल आए, पैदल से जा रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से, आपका भी ट्रक कहीं खड़ा है? नहीं, हम पैदल आए। तो आप ये देखिए कि इस वक्त बिपरजॉय तूफान है जो अरब सागर से उठा तूफान, उसके बाद में उसने किस तरीके से इस तूफान का जो कहर है वो बर्फ रहा। सर को हाथ में पकड़ा दो, बोलिए ना कैसे रहो? एक मिनट सर, आप हाथ में पकड़ लेंगे कोई आप में से ना? हाँ, तो तस्वीरें देखिए कि आप किस तरीके से, पीछे देखिए कि ये ट्रक फंसे हुए हैं, अंदर फंसे हुए हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि ये नदी का बहाव कितना तेज है। ये बामनी नदी कहते हैं इसको, और यहाँ पर अब हाईवे आपको नजर नहीं आ रहा। दूर तक तकरीबन ये यहाँ से तकरीबन 300 मीटर इस हाईवे पर ये नदी बह रही है, बीच में से पूरा कटा हुआ है हाईवे और पीछे बड़ी संख्या के अंदर इसके बीच में फंस गए। तो आप किस तरीके से कहर बरपा रहा है बिपरजॉय तूफान, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाईवे के ऊपर से नदी बह रही है और कांडला फोर्ट को और दिल्ली से जोड़ने वाला, अहमदाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाला हाईवे इस वक्त आप नदी के बहाव की वजह से बंद हो गया कटाव, इसलिए पीछे से दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया। तकरीबन कई किलोमीटर लंबी इस हाईवे पर कतारें हैं। अब देखिए कि ये जो सेना की टीम है ये सांचौर जा रही थी, सेना की टीम अगर नहीं पहुंचती तो यहाँ ड्राइवर के साथ में क्या होता, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ क्रेन थी, क्रेन और यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी की एक पूरी टीम भी थी, क्योंकि ये सेना सांचौर जा रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन सेना की टुकड़ी भी आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस बीच में इन ट्रक ड्राइवर को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया। पानी देखिए कि आप कहाँ तक है, नदी का बहाव देखिए आप, रौद्र रूप ले रही है नदी। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर कई नदियाँ उफान पर है, गोतमी नदी जो उदयपुर को अजमेर से कनेक्ट करती है, राजसमंद के बाद पार ऊपर हाईवे पर आ गई। तो राजस्थान में इस वक्त बिपरजॉय की वजह से, इस चक्रवाती तूफान की वजह से हाहाकार है, कई नदियां सड़कों पर आ चुकी है, इस वजह से लोगों के सामने परेशानी है। राजसमंद में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और यहां पर लोग इस तरीके से फंसे हुए, हालांकि सेना ने उनको बचाया रेस्क्यू करके।